आज हम लोग आए हैं लोहिया पार्क, और ये देखिए ये है लोहिया पार्क, कंकर बाग पटना का नज़ारा, और ये लोहिया पार्क का एंट्री गेट, और देखिए ये है पटना के सड़कों का कुछ नज़ारा। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है पार्क का नज़ारा। और ये देखिए यही दो महाशय हैं। लोग इस ब्लॉग को प्लीज जरूर देखिएगा, क्या और बड़ी मस्त भाई साहब वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छे बोलते भी हैं। ये हैं मिस्टर शिवम कुमार और ये हैं हमारे अरुण आर्यन, बहुत ही अच्छे मित्र हैं और आज ये लोग बच्चे बन गए हैं। ये है लोहिया पार्क कंकर बाग पटना का कुछ नज़ारा। ये देखिए क्या क्या चीज़ है, तो बताइएगा गाइज ये कैसा लगा आपको ब्लॉग। ये है झूला, ये तो आपको याद ही होगा, जब हम लोग कहीं पे भी देखते थे तो दौड़ते हुए चढ़ जाते थे और फिर पीछे से चढ़ते थे, ऐसे चढ़ने का पीछे से उतरने का इस साइड से फ्रंट है वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम लोग क्या करते थे जल्दबाजी में इधर से ही चढ़ जाते थे। तो ये है यहाँ का, बाकी ये देखिए कितना गजब का सीन है। ये भी शायद आप ये जो घिरनी वाला लगा हुआ है गाड़ी वाला छोटा बच्चा के लिए, इस पर भी आप घूमे होंगे, मैं भी घूमा था, मुझे तो याद है कि मैं इस पर फर्स्ट टाइम एक बार जब चढ़ा था तो मुझे पूरा पता नहीं मतलब चक्कर आ जाएगा और चक्कर आ भी गया था ब्रो। ये देखिए ये बहुत दिनों के बाद आज इस पार्क में आए थे तो मज़ा आ गया अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये है बाहर जाने का गेट एग्जिट। हेलो गाइस, हम लोग दिस इज अंकित और दिस इज शिवम, मिस्टर शिवम कुमार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग स्टॉल पे आए हुए हैं आइसक्रीम स्टॉल पे, और हम लोग वो टेंटी वाला कुल्फी नहीं खाते हैं, वो खाएंगे जिसमें क्रीम डाला रहेगा। हाँ ठीक है, तो गाइस जैसे कि इन्होंने बताया, और तो गाइस फाइनली हम लोग पार्क से बाहर आ चुके हैं और अभी हम लोग ये खाएंगे आइसक्रीम। ये देखिए आप देख रहे होंगे ये आइसक्रीम कुल्फी है। गाइस मैं आपको ये चीज़ का नोट है, मेरे हाथ में थोड़ी देर पहले 50 का था, इन दोनों लॉन्डों ने मुझे ले गया और पर गाइस इन लोगों का ही कहना था टिकट कटवा लिया, ठीक है दोस्त, और ये मैं अपना टिकट बेच फटा, पर कोई लेने वाला नहीं है, पर लेने वाला कोई नहीं, भिजवा दीजिए मेरा पहले। गाइस मैं बताऊं, जब हम लोग एंट्री किया ना गाइस, बाद में आते वक्त गाइस इन्होंने क्या कहा, इन्होंने गार्ड को कहा कि गार्ड साहब आप टिकट ले लो, मुझे कम से कम 50% पैसा दे दो। गार्ड साहब बोले ऐसा नहीं होता है। तो भैया आप आइसक्रीम खिलाएंगे, चलिए बताइए कौन कौन सा आइसक्रीम है आपके पास। देखिए यही आइसक्रीम है, आप हमेशा यहीं पे लगाते हैं, वो इनके पास नहीं है। अच्छा भैया बताइए कौन कौन से आपके पास आइसक्रीम है। पहले बंद कीजिए, बताइए अरे बताइए क्यों, आप भी शर्मा रहे हैं क्या। देखिए ये भैया बोल रहे हैं कि मोबाइल बंद कीजिए। हाँ हम आपका आइसक्रीम हम फेमस करना चाहते हैं। देखिए भैया बोल रहे हैं हमको फेमस नहीं होना है। हाँ तो आप इसमें से निकाल के भर रहे हैं, आप इसके बाद एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए ये भैया हमको आइसक्रीम दे रहे हैं, देखिए बहुत मस्त है। तो गाइस आपको भी खाना हो, आप भी जब आएंगे यहाँ पे लोहिया पार्क साइड, अगर पटना में रहते हो तो इन्हीं भैया के पास आके आप आइसक्रीम खाइएगा, बहुत बढ़िया बनाते हैं। हाँ देखिए यही भैया हैं, ये हंसते भी बहुत अच्छा है। हाँ और देखिए ये इसमें से निकाल के खिला रहे हैं, 50 ग्राम देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं।